हेलो। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, आई होप से बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं बसवराज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल बसु। तो गाइस आपका स्वागत है टेक्निकल बसु की और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अपना जो होम स्क्रीन होता है, आप देख सकते हैं मेरा फोन होम स्क्रीन में। दोस्तों, होम स्क्रीन में जो सीक्रेट ट्रिक्स छुपे हुए हैं दोस्तों, उनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अगर आपको भी इनके बारे में तो कुछ जानकारी चाहिए तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे ऊपर यूट्यूब पे जाने के बाद हमको ऊपर सर्च करना है। सर्च करने का टेक्निकल बसु जो हमारे चैनल का नाम है, सर्च करना है। सर्च करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे जो सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा आपको लाल कलर का, उसे क्लिक करना है। बेल आइकन कॉल कर देना है। कॉल करने के बाद फ्रेंड्स, आपको अगर आपको व्हाट्सएप से जुड़ी प्लेलिस्ट चाहिए तो मैंने उस पर एक प्लेलिस्ट बनाई। आप जाकर वहाँ पे पूरी जो वीडियो है व्हाट्सएप से जुड़ी वीडियो आप यहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, मेरा जो मोबाइल है एमआई का मोबाइल है दोस्तों, जो फर्स्ट जो ट्रिक है मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे अपलोड कर कैसे करते हैं। दोस्तों, मैंने उस पर एक क्लियरली वीडियो बनाई है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। बट फ्रेंड्स, मैं इसे यहाँ पे शॉर्टली बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, मान लीजिए आप मेरी उंगली देख सकते हैं, मैं यहाँ पे दो उंगली से किया तो मेरा जो हेड ऐप का है ये खुल जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एमआई के मोबाइल में ऐसे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अभी खुलता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ऐसा कैसा हो रहा है, अगर मैं दो उंगलियों से यहाँ पे ऐसा किया तो यह आप देख सकते यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको अगले जो ट्रिक है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको उसके यहाँ पे होम स्क्रीन जो है हमारी, आपको उसे यहाँ पे प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ पे जा सकते हो। अगर आप वॉलपेपर में गए दोस्तों, अगर आप यहाँ से जो बहुत सारे जो वॉलपेपर है आप यहाँ से वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड करके वहाँ पे लगा सकते हो। और फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो फोन है फोन डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे कुछ कर सकते हो। देखते दोस्तों, आप देखते यहाँ पे जो आपका जो वाइडगेट से आप उसे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप जो है यहाँ से एक कैलकुलेटर अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हो, क्रोम अपने होम स्क्रीन पर लगा सकते हो, जीमेल, कैलेंडर, डब्ल्यू पी एस ऑफिस, वीडियो एडिटर, आप यहाँ से जो अपने व्हाट्सएप, आप जो सभी जो है अपने जो होम स्क्रीन पर यहाँ पे लगा सकते हो। मैं आपको एक लगा के दिखाता हूँ। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे मैं इसे लगाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे स्पेस नहीं है मेरे इस पर, इसलिए ऐसा नहीं हुआ, वर्क नहीं हो रहा है। मैं इसे यहाँ पे इसे हटा देता हूँ। आप देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे जो अपना स्पेस है यहाँ पे खोल दिया। मैं इसे यहाँ से प्रेस कर देता हूँ। प्रेस करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो मेरा जो व्हाट्सएप है, मैं आपको उसे लेके दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे पेज नहीं है इसलिए यहाँ पे ऐसा बोल रहा है। मैं आपको फिर से ये जो पेज है, मैं आपको यहाँ से पेज को हटा के मैं आपको यहाँ पे तो देखिए आप देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पे मैं दूसरी जो यहाँ पे ट्रू कॉलर को देख लिख के दिखाता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो ये वहाँ पे पेज ने इसलिए ऐसा बोल रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पे क्लॉक भी नहीं आ रहा है। दोस्तों, आप देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो वाईफाई है, आपको मैंने यहाँ पे बताया कि वाईफाई देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो डायरेक्टली यहाँ से आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ से जो अपना वाईफाई आप यहाँ से ऑन कर सकते हो। दोस्तों, अगली जो ट्रिक आपको इसे क्लिक करें, इसे क्लिक करने के बाद आप यहाँ सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो अपनी होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन को आप यहाँ से साइज बदल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे मेरी जो 4x6 है, मैं आपको 5x6 करके भी दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ से अपनी जो साइज़ है यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से चेंज हो गई है। 5x6 बोले तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कॉलम में 6 ऐप्स यहाँ पे बैठ गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे, अब हमें दोस्तों यहाँ पे फिर से इसे यहाँ पे 4x6 के हिसाब से रखना है क्योंकि वो अच्छा दिखता है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर से मैंने इसे अच्छी तरह से कर दिया। अब हमें फिर से इसे टच करना है। इसे टच करने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से देख सकते हैं सेटिंग में जाना। सेटिंग में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से लॉक होम स्क्रीन लेआउट आप यहाँ से इसे ऑन करने आप मोर में जाना है। मोर में जाने के बाद फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो अपनी जो स्क्रीन है आप यहाँ से उसे ऐसा कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप यहाँ से जो अपने जो आपका आइकॉन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे अपनी जो आप है उनकी जो आइकॉन की जो साइज़ है आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। ये दोस्तों, आपको इससे पहले जो अगर पता नहीं थी मुझे फिर मालूम है दोस्तों,
अगर आप होम स्क्रीन को चेंज करना चाहते हो तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। फ्रेंड्स आप यहाँ से अगर मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे जो मेरी जो यहाँ पे है, मैं अगर मैं ऐसा करूँ तो यहाँ पे गूगल खुलता है। तो मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसे यहाँ पे टच करना है। टच करने के बाद सेटिंग में जाना है, मोर में जाना है, होम स्क्रीन लेआउट में जाने के बाद फ्रेंड्स अगर आपने विथ ऐप ड्रावर ऐसा खोल लिया तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए फ्रेंड्स तो सारा जो लेआउट है यहाँ पे चेंज हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी जो लेआउट है चेंज हो गया है फ्रेंड्स। आप अगर आपने यहाँ पे इसे ऊपर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने जो सभी जो आपने यहाँ पे वो ऐप आपके सामने यहाँ पे खुल के आ जाएगी दोस्तों। तो इसलिए आप देख सकते हैं ऐसा करने के बाद पहले ऐसा नहीं आ रहा था। आपको भी अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप यहाँ से कर सकते हो, बट फ्रेंड्स मुझे यही अच्छा लगता है इसलिए मैं वही कर लेता हूँ। वही इसे करने के लिए फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फिर इसे क्लिक करना है। इसे क्लिक करने के बाद सेटिंग में जाना है, मोर में जाना है और यहाँ पे इसे रेगुलर कर देना है दोस्तों। रेगुलर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पहले अपना जो पहले वाला लेआउट है आप यहाँ से आ सकता है दोस्तों। दोस्तों वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है तो मैं इसे यहाँ पे रोकता हूँ दोस्तों। तो फ्रेंड्स अभी तक तो आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और आपको जो ट्रिक है होम स्क्रीन की इससे पहले पता थी क्या, मुझे प्लीज़ बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.